जयकार लगाइए श्याम बुलंद वाली बोल हारे के। इतने लोग खाटू गए। एक सवाल पूछता हूं आपसे, भजन की भूमिका बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग, सब लोग खाटू गए, क्या देखा मेले में? बोलिए, जवाब देते रहिए। बाबा को देखा, श्रृंगार देखा, अपना अनुभव बताइए। बोलते रहिए, क्या देखा? बोलते रहिए, वेट एक एक करके नहीं पूछेंगे, बोलते रहिए। कुछ श्रृंगार देखा, ये देखा, वो देखा, दरबार देखा, निशान देखा, भंडारा देखा, ये देखा, वो देखा, है ना? अब देखो थोड़ा सा, हमने क्या देखा? बाबा का मेला है कि देखो, मेले तक कोई भी नया भजन नहीं बना, मेले के बाद बाबा ने इतना सुंदर भाव दिया है, मेरा विश्वास है आप सभी को आनंद आएगा। सुनिए, मेला है क्या? दीन दुखियारों का रेला देख लो, दीन दुखियारों का रेला, क्या देख लो? रेला। आहा, आहा। लेकिन किसका? नहीं नहीं, पॉइंट ये है, आवाज नहीं आई आपकी, क्या देख लो? रेला, रेला, दिन दुख। नहीं नहीं, किसका देख लो? पॉइंट तो ये है ना कि किसका देख लो? दिन दुखियारों का, सेठों का नहीं। देखो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं अपनी अपने आप को नहीं बोल रहा हूं दिन दुखियारा अभी, ताकि एक्सप्लेन कर पाऊं। दीन दुखियारों का रेला देख लो, और यदि तालियां बजा सको तो इसके बाद बजाना। सुनो, दीन दुखियारों का रेला देख लो, आओ खाटू वाले का मेला देख लो, आओ खाटू वाले का मेला देख लो। किसका रेला देख लो? जितने ये देखो, जितने ऐसे वाले होते हैं इनका कोई रेला नहीं है, ये सारे परेशान हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम जैसों को परेशानी किस चीज की? कितनी भी अच्छा व्यवस्था हो, हमारा दर्शन हो जाए तो व्यवस्था अच्छी है, और हमारा दर्शन जल्दी नहीं हो तो व्यवस्था खराब है। ये हम जैसों सेल्फिश लोगों की यही भाषा है। तालियां बजाओ तो इस पर बजाओ, ये कटु सत्य है। हम लोगों के लिए मेला क्या है? हमें बढ़िया खाना मिले, बढ़िया रूम की व्यवस्था मिल जाए, और दर्शन जब हम निकले। कई कई चेहरे तो ऐसे भी दिखते हैं जो मंदिर भी ऐसे जाते हैं, स्लो मोशन में जाते, दिखाना है ना, और सोच रहे हैं रेला ये है, ये रेला नहीं है, ठेंगा है, परेशान है। रेला उनका है, रेला उनका है, जो 19 नहीं 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सुनिए, अभी नहीं, अभी अरे अरे इतनी जल्दी नहीं, हम लोग बहुत तगड़ा बोलते हैं। इतना में बटोरना होता तो मेहनत क्यों की जाती? रेला उनका है जो 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद तोरण द्वार पे पहुंचते हैं। हम जैसे तो पहुंच भी जाते हैं तो ऐसी हालत में पहुंचते हैं, जितनी होती नहीं उससे ज्यादा दिखाते हैं, दिखाना पड़ता है ना कि कितने बड़े भगत हैं। लेकिन वो लोग 30 किलोमीटर चलते हैं, तोरण द्वार पे आते हैं, उसके बाद भी कोई पूछे थक गए, अरे क्या चीज का थके भैया, बाबा का दरबार उनका ले, फोटो पे फोटो। आगे बढ़ते हैं, लाइन पे लग जाते हैं, 4-5-6 घंटे जितने लगे लगे, लाइन पे लगने के बाद भी हर 2 मिनट बाद जब उनको लगता है, अपने लिए थोड़ी, जब उनको लगता है बाबा की शान में कंजूसी हो रही है, तो ले जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। ले बोल खाटू नरेश की, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम ऐसे नहीं बोलते, हम लोग ऐसे चलते, ये उन जैसे बोलते हैं, एक ही नारा एक ही नाम। मंदिर के पास जब पहुंच जाते हैं उस वाली क्यू में, एनर्जी उनकी कम नहीं होती है, एनर्जी उस समय बढ़ जाती है, उस समय शुरू हो जाते हैं, श्याम बाबा की जय, खाटू
शाम। ओ बोलो बोलो प्रेमियों, बोलो। देखो मैं आपको लग रहा हूं भाषण दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये भजन कैसे लिखा गया। आप देखना जो इधर वाली लाइन होती है ना, क्यू वाली नहीं इधर वाली, वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है, और देखना वो जो उधर की लाइन होती है उनको देखकर लगता है कि मेले में आए हैं। इसीलिए कहा है दीन दुखी यारों का रेला देख लो, अरे प्यारे आओ खाटू वाले का मेला। आप लोगों को कहना है ईमानदारी से बताओ किस किस को लगा कि भाई मेले पे ऐसा भजन, आपको लगा कि भाई बाबा की कृपा है हम पर, तो उठाओ। नहीं ऐसे नहीं, पूरे भजन में बजानी है तालियां, एक एक लाइन पे वाह भाई वाह बोलने का मन करेगा, दोनों हाथ उठाकर, एक दो तीन। आओ आओ बाबा का मेला देखो, आओ खाटू वाले का, ओ आओ खाटू वाले का मेला देख लो, मेला देख लो, मेला देख लो, बोलो बोलो, मेला देख लो, मेला देख लो, दीन दुखी यारों का रेला देख लो, खाटू वाले का मेला दे, आओ खाटू वाले का। अब जरा तालियां बजाओ जोरदार, तालियां बजाकर ऐसे आनंद नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि दिन दुखियार अक्सर तन्हा रहते हैं, बोलो बोलो लोग गाओ मेरे भाई, दिन दुखियार अक्सर तन्हा रहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना कि लोग कहते हैं कि दिन दुखियार अक्सर तन्हा रहते हैं, ये लोगों की बात है, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई भी नहीं है अकेला देख लो, कोई भी नहीं है अकेला देख लो, आओ खाटू वाले, एक कोई भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? अकेला देख लो इस भजन के बाद, एक भजन वाले का। अब बैठिए जरूर सुनाएंगे, एक भजन सुन लीजिए सर, उसके बाद जाइए, मुझको भी ले जाइए, मुझे भी जल्दी है। एक बार सारे मिलकर कहना आओ खाटू वाले, थोड़ी जगह दे दो, मेला देख लो। लोग कहते हैं कि दीन दुखियारे अक्सर तन्हा रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई भी नहीं है अकेला देख लो, कोई भी नहीं है अकेला देख लो, आगे की लाइन, आओ खाटू वाले का, एक बार आओ,
अब बजे तालियां, एक एक लाइन आपको आनंद देगी ये बात। जिन्हें हम लाचार समझ रहे थे ताकतवर वही निकले। लोग कहते हैं छुप छुप करके रोते हैं, लेकिन फिर से लोग कहते हैं कि दीन दुखी यारे छुप छुप करके, लेकिन भाई साहब हमने तो नहीं देखा ऐसा। हंसता हुआ हर एक चेहरा देख लो, हंसता हुआ हर एक चेहरा देख लो, आओ खाटू वाले ओ आओ खाटू वाले का मेला देख लो। देखो पहले मेले के भजन कार्तिक में होते थे क्योंकि प्रचार जितना था उसे, अब वो समय गया, अब तो मेला खत्म, दूसरे दिन ही मेले का प्रचार शुरू हो जाता है। तो अभी से क्यों नहीं जाएं, क्यों नहीं गाएं कि आओ खाटू वाले का भजन। को गाने का मकसद ये है कि दिन दुखियारों का सम्मान किया जाएगा इस भजन को सुनने के बाद। जो खाटू जाएगा वो उनका सम्मान करेगा। अगर हमारे भजन को सुनकर लोगों के नजर में हमदर्दी बढ़े तो इससे बड़ा मेले का उपहार और कोई नहीं है। तालियां बजाकर दिन दुखियारों का रेला देख लो, आओ खाटू वाले का मेला देख लो, आओ खाटू वाले का मेला देख लो। अच्छा आगे गाऊं क्या? हाँ कि ना? जोर से बोलो हाँ। एक बार पीछे वाले बोल दो गाओ। अच्छा ये तो दिन दुखियारों की बात थी, ऐठियों का क्या करें? किसका? ऐठियों का, ऐठ में जोड़। अच्छा उनके बारे में भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। लोग ये अय्या मत करो माँ जी, हाँ अय्या मत करो, दूसरा पर उंगली उठाओगा तीन आपका भी आओगी। तानिया बजा अपने पे नाले बस ये बहाव है। लोग कहते हैं कि बड़े दाम वाले अक्सर मौज में रहते हैं, लोग कहते हैं कि बड़े अक्सर नहीं हरदम, हरदम मौज में रहते हैं। लोग कहते हैं बड़े दाम वाले हरदम मौज मौज में रहते, गलत कहते हैं। सच्चाई क्या है पता है? उनके बीच हो रहा झमेला देख लो, अब देखो झमेला किस चीज का कि मां बड़ो, झमेला किस चीज का मां बड़ो। अरे अहिया कहिया तो ना मना कर दियो दर्शन करने से। हाँ ए पिंटू भाद, ए पिंटू कितना लोगो, कितना लोगो? चार। तू तो दो बोले तो यार अहिया मत आकर, चल कोई बात नहीं।
जब कराना ही है चार को तो क्यों छोटा फील करा रहे हो? इंपॉर्टेंस गेन करना, बड़ा बड़ा बड़ा, इसीलिए। और पिंटू को नहीं करा पायो, फिर चिंटू, फिर मिंटू, और लास्ट में कोई नहीं करा पाए तो दूसरे पे ब्लेम। आजकल व्यवस्था ना गुरु, ये लोग उनके बीच हो रहा झमेला देख लो, आओ फटवाने। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता आपको कितना आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, पर मैं तो इतना जानता हूँ, जब बाबा ऐसे भाव हमारी झोली में डाल देते हैं, हमें लगता है हमारा भजन गाना सही दिशा में है। बाकी पूरी दुनिया को हम कभी राजी नहीं कर पाएंगे, और हम जैसे लोगों के ज़्यादा फैंस नहीं होते हैं। जो भाव के ज़्यादा गाते हैं उनके फैन कम होते हैं, सच्चाई है, मान लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये प्रैक्टिकल सी बात है, मैं सोचूंगा कि मेरे को 140 करोड़ लोग पसंद करे, वो मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ। मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि भीड़ नहीं है हमारे लिए, प्रेमियों का समा है हमारे। उनके बीच हो रहा झमेला देख लो, आओ खट वाले का मेला रे, नींद दुखी यारों पर रेला देख लो, आओ खट वाले का मेला देख लो। अब बड़ी गजब की लाइन आई, देख लो, सुनो, आज ये लाइन बनी है, आज ही बनी है, इसलिए याद कर रहा हूं। थोड़ी देर समय चाहिए, बजाओ भैया जरा जोरदार तालियां। लोग ऐठी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब दाम वाले घमंडी हैं। जो असल में जिनको बाबा ने तृप्त बनाया है, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाइए, हल्की हल्की ऐसे, मैं बताऊं, एक मिनट रुकिए। जो नहीं बजा रहे उसको पूछो कीली आई है, ए माई है। पानी पानी कर देना, श्याम बाबा से ज्यादा प्रायोरिटी श्याम बाबा के कीर्तन में किसी चीज को नहीं देनी चाहिए। सुनो, जो लोग सक्षम हैं वो असल में क्या कर रहे हैं दरबार में, कोई कोई तो चरण दबाने बैठा। जो लोग यात्री चल रहे हैं उनकी सेवा में, कोई तो चरण दबाने में, कोई भोग परोस रहा, कोई तो चरण दबाने में, बोल बोल के बैठा बैठा, कोई तो भोग परोस रहा। चलते हुए यात्री के हाथ में रुमाल लेकर चरण पहुंच कर दबा रहा है कोई, कौन है वो भी मर्सिडीज वाला है। भाव की बात है प्रेमियों, उसने देखा है दीन दुखियारों का रेला, इसलिए चरण दबा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, कोई तो चरण हो दबाने में, कोई तो भोग परोस रहा। माताएं मैंने हाथ में भोग को लिए, लोगों को बोल रही है थोड़ा खा लो। कैसे हो रही है उनकी सेवा देख लो, कैसे हो रही है उनकी सेवा देख लो, कैसे हो रही है उनकी सेवा देख लो।
खाटू वाले का। दो अंतरा बाकी है। अब जो गाने वाला हूं, अभी तक जितनी बजी है ना, फीकी पड़ जाएगी इस लाइन को सुनने के बाद। ये आज ही बनी है, सुनो। दाल चूरमा, कड़ी और कचौड़ी, सब प्रकार के व्यंजन है। दाल चूरमा, कड़ी और कचौड़ी, सब प्रकार के व्यंजन है। बाबा के दरबार में अब क्या नहीं मिलता है, दाल चूरमा भी मिलता है, कड़ी कचौड़ी भी मिलती है, और सब प्रकार के डोसा भी मिलता है सब। लेकिन एक चीज का बड़ा रेला है दरबार, क्या? दाल चूरमा, कड़ी कचौड़ी, सब प्रकार के व्यंजन है। दाल चूरमा, कड़ी कचौड़ी, सब प्रकार के व्यंजन है। और गाजर मूली काकड़ी का ठेला देख लो, गाजर मूली काकड़ी का ठेला देख लो, आओ खाटू वाले। गाजर मूली काकड़ी, ये ठेला तो खाटू में ही दिखेगा, आओ खाटू वाले। कैसा लगा? अच्छा, मेला देखेगा कौन? नहीं नहीं, ये भजन का सवाल है, ये भी तो है ना, डिसाइड कौन करने वाला है कि मेला कौन देखेगा? डिसाइड तो वही करेगा ना। अच्छा, कौन देखेगा, वो कैसे डिसाइड करता है, सुनो। सच्चे मन से जिद्दी होकर जो अरदास लगाता है, सच्चे मन से जिद्दी होकर एक बार गाइए। सच्चे मन से जिद्दी होकर जो अरदास लगाता है, उनको ही वो मारता है, हिला देख लो, उनको ही वो मारता है, हिला देख लो। आओ खाटू वाले का मेला देख लो। गाजर मूली काकड़ी का ठेला देख, क्या बात है भाई। खाटू वाले का कोई भी नहीं है, अकेला देख लो, आओ खाटू वाले। और कैसा है ये मेला, अलबेला देख लो, आओ खाटू वाले का मेला देख लो। आओ खाटू वाले का, बोलिए सच्चे दरबार की। अब एक भजन की फरमाइश है।